जिसे कि हम इग्नोर नहीं कर सकते। आज आप लोगों ने अपनी प्रेजेंटेशन यहाँ पर ली माइक पर, किसी ने भी अपने माइक को ठीक नहीं किया, एक दो के अलावा उसमें आप आते हैं, ठीक है। किसी की हाइट ज्यादा थी तो माइक यहाँ है, वो भी गलत है। अगली प्रेजेंटेशन आपकी प्रॉपर माइक के साथ होगी, बात को पूरा अपने माइंड में सेट करके रखना और उसी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स भी लगेंगे। आपको अपनी बात करते हुए इस चीज को, कुछ लोग बिल्कुल ही ऐसे बात करते हैं, बिल्कुल अंदर घुस जाते, इतनी इको हो जाती है, सामने वाले को बात समझ नहीं आती या इतना दूर। अपनी हाइट के अकॉर्डिंग ये चीज क्यों बनाई जाती है, हाइट के अकॉर्डिंग इस चीज को सेट करने के लिए। अगर आपकी ये स्टैंड इतना ही है फिर भी आपके हाइट जाते तो आप इसको ऐसे कर लीजिए। माइक का बहुत बड़ा रोल है पब्लिक स्पीकिंग में। एक आवाज में आपको पता लग जाता है कि आपकी आवाज कितनी दूर तक जा रही है। स्टिल आप ये पूछ सकते हैं, एम आई ऑडिबल, पीछे तक मेरी आवाज जा रही है? Yes, आप तक तो आ रही है। अगर बहुत बड़ा क्राउड है, जैसे कि कोई नेता लोग देते हैं इसमें, तब उनको लोग पूछ सकते हैं, जैसे है कि बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, तब आप थोड़ा सा पूछ सकते हैं कि एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज पीछे तक जा रही है। इसमें क्या है कि अगर आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं, दैट इज अ फ्रेंड, अदरवाइज ये आपकी पर्सनैलिटी को खराब करने में एक डेविल का भी रोल प्ले कर सकता है, दुश्मन का, है ना। नेक्स्ट वन इज कीप इट एट द लेवल ऑफ लिप्स, ये हमने भी किया। टेक टाइम टू एडजस्ट, मैं स्टेज पर आई, ये नहीं है नमस्कार, मैं ये नहीं। आप पहले इसको टाइम लीजिए, सामने वाले बंदे ने आपको टाइम दिया है तो वो वेट करेगा इतना कि आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर ले, आवाज को सेट कर ले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी क्राउड भाग नहीं रही है। डू नॉट शाउट, बी नेचुरल। अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज में बहुत ज्यादा जा रही है तो आप हल्के से पीछे हो जाओ, लगता है कि कम है तो बात करते करते थोड़ा सा आगे हो जाइए, बट बी नेचुरल। डरने घबराने की किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो आपके लिए माइक का अरेंजमेंट करते हैं वो इतना अरेंजमेंट आपके लिए करके रखते हैं कि आपके माइक से आपकी आवाज पीछे तक जाए, तो इसलिए एकदम से ओवर रिएक्ट करने की, टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी योर वॉइस चेंज, अगर आपकी आवाज चेंज हो जाती है, कभी कभी किसी कोई घबरा भी जाते हैं, कभी कभी आवाज मतलब क्राउड को देख करके हमें लगता भी है, अगर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मॉड्यूलेशन हो रहा है, सो डोंट वरी, बी नेचुरल। हर तरीके से आपको नेचुरल रहना है। इस पार्ट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, चाहे तो आप इसको लिख भी सकते हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, कोई भी स्पीच डिलीवर करने से पहले सबसे अच्छा तरीका है आप माइक